हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल वॉल जेडी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा वीडियो किस टॉपिक पे है, तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा प्यार या मोहब्बत कौन करते हैं? और आपका जवाब होगा आपकी माँ। और यह ममता की प्यार सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होते हैं। जो हम इंसान समझते हैं कि इनमें जज्बात या मोहब्बत ऐसा कुछ नहीं होता होगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि ये जानवर भी एक दूसरे से या अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। जो वक्त आने पर ये जानवर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों के ममता से भरे ऐसे पल दिखाएंगे जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, ए रैट सेव हिज चाइल्ड लाइफ। दोस्तों, सुअर एक ऐसा जानवर है जो आकार में सबसे छोटा है और इनको डरपोक भी माना जाता है। और हम इंसान भी जब किसी के मजाक उड़ाते हैं तो हम भी कहते हैं कि इसका सुअर जैसा दिल है। लेकिन जब अपने बच्चे के जान पर बात आई तो सुअर को भी शेर बनना पड़ा। और दोस्तों, आप भी देख सकते हैं, एक साथ जब सुअर के बच्चे को मुंह से उठाकर भाग रहे थे तभी उस बच्चे के माँ अपनी जान की परवाह किए बिना इस सांप के दुम पर लगातार काटती जा रही है। और सांप इस हमले से घबरा कर सुअर के बच्चे को छोड़ कर जारियों की तरफ भागने लगते है। और ये सुअर तब तक इस सांप के पीछा नहीं छोड़ते है जब तक ये सांप जारियों में गुम न हो जाते। पर अंत में ये सुअर वापस कर अपने बच्चे को मुंह से उठाकर अपने साथ ले जाती है। नंबर टू, एलिफेंट सेव द लाइफ ऑफ हिज चाइल्ड। दोस्तों, शेर जंगल के बादशाह है तो हाथी जंगल के राजा कहलाता है। और आमतौर पर ये दोनों जानवर बहुत ही काम आमना सामना करते हैं। पर दोस्तों, जब जंगल के बादशाह ने अपनी हद से बाहर होकर जंगल के राजा हाथी के बच्चों पर हमला किया तब हाथी ने जंगल के बादशाह को तहस नहस करने में देर नहीं की और इस हाथी के बच्चे पर एक नहीं बल्कि पूरे 10-12 भूखे शेर हमला करते हैं। और अंत में जब इस बच्चे के माँ को मालूम होता है तब यह हाथी अपने बच्चे को बचाने के लिए गुस्से से आवाज देकर दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इन शेरों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और शेर जब अपने सामने मौत को देखते हैं तब इस हाथी के बच्चे को छोड़ कर भागने लगते हैं और आखिर में एक माँ ने अपने बच्चे को बचा लेते हैं। नंबर थ्री, द मंकी सेव डियर चाइल्ड। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बंदर एक ऐसा जानवर है जिसके पास अकल और बुद्धि दोनों होते हैं। और ऐसे ही जंगल में जब सभी बंदरों के साथ एक बंदर अपने बच्चे के साथ पेड़ के ऊपर बैठे थे तभी अचानक एक चीता शिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। और यह चीता किसी तरह अपने आप को सुपते सिपाते पेड़ के ऊपर सरते है और उस बंदर के बच्चे को देखते है। और कुछ सेकंड्स बाद ये चीता अपने शिकार को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। और इस बंदर के बच्चे को मुंह से पकड़ कर ले जा ही रहे थे तभी इस बच्चे के माँ को पता चल जाता है और इसे देखकर माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए चीता के पीछे भागते हैं। और अंत में चीता ने इस बच्चे को छोड़ कर अपनी जान बचा कर भागने लगते है। पर बदकिस्मती से इस बच्चे को अपनी जान गंवाना पड़ता है और इसे देख कर हम तो ये अंदाजा लगा ही सकते है कि इस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। I've been keeping myself so busy, personal.